हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब समझ लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। देखिए, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड की बेस से रिएक्शन होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में हमें वाटर मिल जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। देखिए, एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसकी रिएक्शन हमने किससे की, बेस से कराई। बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिए, इनकी रिएक्शन होगी, इसमें Cl और Na अलग हो गया, NaCl बन गया। तो देखिए, लिखा है सोडियम क्लोराइड, इसे ही हम साल्ट कहते हैं या हिंदी में नमक कहते हैं। ओके, तो साल्ट का फॉर्मेशन हो गया, साथ में H2 यानी हमें वाटर मिल गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हमने क्या कह दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह दिया। एसिड यह प्लस बेस क्या मिलकर बन गया, साल्ट प्लस वाटर। ओके, हिंदी में इसे समझ लेते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल की क्षार से क्रिया की जाती तथा लवण और जल प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमने अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराई, ठीक है, और लवण का तथा जल में प्राप्त हो गया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया कह दिया। ओके, यहाँ पे लिखा भी है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ये क्षार है। अम्ल और क्षार की क्रिया हुई, देखिए क्या मिलकर बन गया, सोडियम क्लोराइड जिसे हमने क्या कह दिया, लवण यानी नमक तथा जल मिल गया H2O। ओके, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं और इंग्लिश में इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये कई बार पूछी गई है, तो आप इसे जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि इंग्लिश में से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि एसिड न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पे बेस से रिएक्शन होने के बाद एसिड न्यूट्रल हो जाता है। ओके, और साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ में वाटर मिल जाता है। क्योंकि हिंदी में उदासीनीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अम्ल होता है कैसा हो जाता है, वो क्रिया विहीन हो जाता है, यानी वो फिर लेस रिएक्टिव हो जाता है। कौन उसे लेस रिएक्टिव कर देता है, तो उसे लेस रिएक्टिव कर देता है क्षार। क्षार से जब उनकी क्रिया होती है, तो यहाँ पे क्षार क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है और अम्ल को क्या कर देता है, क्रिया विहीन कर देता है, जिससे लवण प्राप्त हो जाता है और जल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं और इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। ओके,